चुले टच द लक। आप सभी का ट्राइबल गर्ल में फिर एक बार स्वागत है। स्वागत करना चाहूंगी आप सभी का लद्दाख के बेहद ही खूबसूरत वैली में, जिसका नाम है श्याम वैली। जी हाँ, इस वक्त हम है श्याम वैली के एक ऐसे प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण गांव में, जिसका नाम है अचिनाथंग। आप सभी का स्वागत करना चाहूंगी मैं अचिनाथंग की वादियों में। जी हाँ, अचिनाथंग नामक गांव लेह से लगभग 140 किलोमीटर की दूरी पे है। और ये जो गांव है, मशहूर है यहाँ के फल और यहाँ के सब्जियों के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी, एप्रिकॉट, खुमानी, चुल्ली का जो सीज़न है वो शुरू हो चुका है। अचिनाथंग नामक ये जो गांव है, इसका जो नामकरण है, इसके पीछे की कहानी भी मैं बताना चाहूँगी। अचिनाथंग जो है, यहाँ पर बौद्ध धर्म की मान्यताओं के अनुसार, बौद्ध धर्म में एक देवी जी जिनका नाम अचिना है, उनके नाम पर रखा गया है। और थंग का मतलब होता है मैदान। तो जी हाँ, इस तरह से नाम पड़ा है इस बेहद ही खूबसूरत गांव का, जिसका नाम है अचिनाथंग। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, इस गांव में जो है, यहाँ पर जो है एप्रिकॉट यानी खुमानी, चुल्ली का जो सीज़न है वो शुरू हो चुका है। अगर हम बात करते हैं एप्रिकॉट के प्रोडक्शन की, तो पूरे भारत में एप्रिकॉट का जो प्रोडक्शन है 60% जो है यहाँ लद्दाख से ही होता है। जी हाँ, इस वैली में श्याम वैली, आर्यन वैली और नुब्रा साइड जो है, यहाँ एप्रिकॉट पाए जाते हैं। और आप सभी को एक और इंटरेस्टिंग बात भी मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ लद्दाख में जो है रक्से कर्पो नामक खुरमानी की एक जो वेराइटी है वो पाई जाती है। जी हाँ, ये जो रक्से कर्पो है, इसे GI टैग भी मिल चुका है और इसका प्रोडक्शन हमारे लद्दाख में ही होता है। और लद्दाख में UT बनने के बाद जो है एप्रिकॉट का जो सप्लाई है वो बाहर होने लग गया। तो इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरह से जो है एप्रिकॉट का प्रोडक्शन यहाँ पे शुरू हुआ और किस तरह से जो एप्रिकॉट है वो पेड़ों से उतारे जाते हैं, किस तरह से उनकी ग्रेडिंग होती है, किस तरह से उनकी पैकिंग होती है, और जो है उसका सफ़र है पेड़ों से निकलने के बाद जो है पैकिंग तक, और उसके बाद एक्सपोर्ट का जो पूरा जो एप्रिकॉट का एक सफ़र है वो इस वीडियो में देखेंगे हम, और जानेंगे कौन कौन सी वैरायटी है एप्रिकॉट की जो यहाँ पर पाई जाती है। तो चलिए आप सभी को मिलने चलते हैं लद्दाख के एप्रिकॉट सीजन में। मेरा नाम डॉक्टर स्तोपधन है। मैं यहाँ का डिफेंस इंस्टीट्यूट हाई ऑल्टीट्यूड रिसर्च, एक DRDO का लैब है। तो मैं यहाँ लगभग पिछले 20 साल से मैं काम कर रहा हूँ, और ख़ास तौर पे खुमानी पे एक्चुअली मेरा काफ़ी काम एक्चुअली रिसर्च हमने इस लद्दाख में किया हुआ है। ख़ास तौर पे आप खुमानी का जब बात करें, तो लद्दाख का खुमानी पूरा दुनिया में एक बहुत एक यूनिक है। पूरा इंडिया के हिसाब से देखें तो लगभग इंडिया का 62% एप्रिकॉट प्रोडक्शन पूरा लद्दाख में होता है। एक्चुअली पहले इसके बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं होता था, क्योंकि जितना भी हमारा एप्रिकॉट यहाँ प्रोड्यूस होता है वो लद्दाख में ही कंज्यूम होता है, और लद्दाख से बाहर ले नहीं जा सकता है। लेकिन जैसे कि लद्दाख UT बना है, तो उसके बाद क्या हुआ कि लद्दाख से बाहर जाना शुरू हो गया है 2021 से। उस टाइम हमारा लद्दाख से लगभग 25 टन के करीब यहाँ से बाहर गया, और पिछले साल 2022 में 35 टन के करीब गया। तो इस साल हमारा टारगेट है कि कम से कम 100 टन से भी ज़्यादा एक्चुअली लद्दाख से बाहर एप्रिकॉट जाए। और ख़ास तौर पर लद्दाख का एप्रिकॉट का ये है कि दुनिया भर में इस वक्त अगस्त के महीने में एप्रिकॉट कहीं नहीं मिलता है। थोड़ा बहुत अफगानिस्तान से आ जाता है, अदरवाइज़ आपका पूरा दुनिया भर में देखें तो ये मई और जून में एप्रिकॉट का मेन सीज़न होता है। तो सबसे अच्छी बात ये कि लद्दाख का जब हमारे पास एप्रिकॉट होता है तो हमारे पास कोई कंपटीशन एक्चुअली है नहीं। और दूसरा, लद्दाख में जितना भी एप्रिकॉट अभी देख रहे हो आप, ये सारे का सारे ऑर्गेनिक है, क्योंकि यहाँ हम केमिकल पेस्टिसाइड या हम फर्टिलाइज़र हम बिल्कुल यहाँ यूज़ नहीं करते हैं। और ओवरऑल लद्दाख को हम 2025 तक, हम इसको मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव लद्दाख करके एक बहुत बड़ा एक प्रोग्राम चल रहा है जिसका मोदी ऑफ लद्दाख बोलते हैं, तो पूरा लद्दाख को हम 2025 तक ऑर्गेनिक सर्टिफाई कर रहा है। तो हमारा फर्स्ट फेज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और सेकंड थर्ड हमारा चल रहा है। तो उसके हिसाब से एक हमारा एक ऑर्गेनिक है। और तीसरा जो लद्दाख का एक यूनिकनेस है खुमानी का, ये बहुत एक मीठा होता है। इवन हमने एक रिसर्च भी यहाँ किया था, जैसे जैसे आपका ऑल्टीट्यूड बढ़ जाता है तो उसका मिठास एक्चुअली बढ़ जाता है। तो लद्दाख का जो खुमानी हो, पूरा दुनिया भर में आप देखें तो बहुत ही मीठा होता है, और उसके साथ साथ ये बहुत ही कलरफुल होता है। यहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन है, यहाँ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, उसकी वजह से इसमें एक बहुत ही अच्छा एक कलरफुल होता है।
तो उसके हिसाब से देखें तो मतलब लाइक लद्दाख का कुमाऊँ एक बहुत एक यूनिक है, और गवर्नमेंट की इंटरवेंशन के हिसाब से अभी पिछले 3 साल से अभी मतलब लद्दाख से बाहर जाना शुरू हो गया, उसकी वजह से अब लोग भी इस चीज़ पे ज़्यादा अभी इंटरेस्ट दिखा रहा है। इससे पहले क्योंकि बाहर एप्रिकॉट नहीं जाते तो लोग भी लगता है कि हमें क्यों खुमानी लगाए, तो बहुत ज़्यादा ऑलमोस्ट 50-60% हमारा जो खुमानी यहाँ एक्चुअली ऐसे ही ख़राब हो रहा है। लेकिन अभी आप देखिए तो मतलब वाकई में लोग को इस चीज़ को बहुत एक अच्छा एक पैसा मिल रहा है, लगभग एक किसान को 100 से 110 रुपया 1 kg से मिलता है, तो उसके हिसाब से एक पेड़ में कम से कम 50 kg होता है, तो उसके हिसाब से बहुत ही एक रिटर्न अच्छा है लद्दाख का। दूसरा लद्दाख का एक तो ऑर्गेनिक है ही, उसके साथ साथ हम लद्दाख का खुमान है क्योंकि ये दुनिया में बहुत एक यूनिक है, तो उसके हिसाब से हम GI टैगिंग करना हमने शुरू किया है। तो लद्दाख का पहला जो GI टैग है जिसको हम ज्योग्राफिकल इंडिकेशन लगता है, हमारे लद्दाख में एक वैरायटी है जिसको हम रक्त से कर्पू बोलते हैं। आमतौर पे आप देखिए जितना भी खुमान है अगर उसको आप तोड़े तो उसके अंदर जो बीज होता है एक्चुअली ब्राउन कलर का होता है, लेकिन हमारे पास एक वैरायटी है जिसके अंदर जो बीज ना सफ़ेद कलर का होता है, इसको हम रक्त से कर्पू बोलते हैं। ये पूरा दुनिया भर में कहीं नहीं मिलता, वो सिर्फ और सिर्फ लद्दाख में मिलता है, और उसके साथ ये दुनिया का सबसे मीठा खुमानी है, इससे ज़्यादा मीठा खुमानी कहीं भी नहीं है। तो उसके हिसाब से लद्दाख का पहला GI टैग हमें रक्त कर्पों को मिला हुआ है, और तीन हमने खुमानी के लिए हमने जैसे हलमन किए हैं उसके हिसाब से लद्दाख का जो ड्राइड एप्रिकॉट है और उसी तरह लद्दाख का जो खुमानी का जो ऑयल निकलता है उसको भी हम GI टैगिंग के लिए हमने एप्लीकेशन हमने सबमिट कर चुका है। अगर ये सब चीज़ें हो जाए तो लद्दाख का पूरा इकोनॉमी ये खुमानी चेंज कर सकता है। तो जी हाँ, जैसे आप सभी को पता है हम इस वक्त है अचिनाथंग गांव में, और हमारे साथ अंकल जी हैं शिवंग नोरपल जी। तो अंकल जी का सबसे पहले तो मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारे चैनल ट्राइबल गर्ल में। धन्यवाद। तो जैसा आपको पता है यहाँ खुरमानी एप्रिकॉट का सीजन चला हुआ है, तो अंकल जी से हम जानेंगे कि थोड़ा बहुत कि अचिनाथंग जो गांव है इसके बारे में कब से यहाँ पर जो है खुमानी जो है यहाँ पर इसका सीज़न यहाँ पर होता है और कौन कौन से यहाँ पर खुमानी पाए जाते हैं। हमारे यहाँ आजकल खुरमानी पक चुका है, कई वेराइटियाँ हैं खुरमानी का। ये जो है हमारा खुरमानी है, फटिंग बोलते हैं इसका, फटिंग। हाँ जी, जो अभी हमारा FPO बन के ये ग्राउंड में जाते हैं, आजकल ये निकलने लगा है और आजकल यही बहुत अच्छा जाने लगा है डाउन की तरफ। और हमारे ये इसके अलावा ये जो है खट्टे में पाया जाता है जो बड़ा पैर है। हाँ जी, हाँ जी। इसका जो है हम इसका तेल निकालते हैं और इसको तेल जो है दिया जलाने में या अपने खाने के लिए या हमारे घुटना कमर में लगाने का बहुत अच्छा तेल माना जाता है। अच्छा, जी हाँ। जैसा आप सभी को पता है कि जो एप्रिकॉट ऑयल है उसके बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यूज भी है जैसा अंकल जी ने बताया जी। और आप लोग एप्रिकॉट का यहाँ पर क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? जी हम पहले तो जो है आजकल ये तो जो है ग्राउंड में जाते हैं ये गीले में, जो इसके अलावा बच जाते हैं इसको हम सुखा के फिर मार्केट में देते हैं, और मार्केट से जो पैसा मिलता है वही से हम गुजारा करते हैं, और अच्छा आजकल कीमत मिल रहा है इनका। मानिए है ये 600 रुपये में मार्केट में जाते हैं। इसका जो है ये दूसरा वेराइटी जो है बादाम की तरह होते हैं, इसको तेल नहीं निकालते, ये जो है तोड़ के बेचा जाता है। इसका नाम क्या है? चुगुंग आर्मो। किस तरह से जो चुल्ली और खुरमानी के जो पेड़ है वो खेत के साइड से लगाए हुए हैं और खेत के बीच में यहाँ पर फाफरा लगाया ना अंकल जी? जी 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 जी। तो अंकल अब बताएंगे कि ये फाफरा की जो फसल है ये आपने कब लगाई है? जी पहले हम गेहूँ लगाते हैं, इसको निकालने के बाद ये फाफरा लगाया जाता है। इसको अभी हमने 6 दिन हुए लगाए हुए और ये 2 महीना 15 दिन तक तैयार हो जाते हैं। अच्छा, तो फिर इसको निकाला जाता है जी। फाफरा यानी कि जिसे बकवीट कहते हैं, सांटे लोग मनाया गया है। ये फाफरे का जो है आटा जो है कैंसर के लिए बहुत फायदेमंद है, इस आजकल ये इसको बहुत डिमांड आने लगा जी। हाँ जी, तो यहाँ पर अगर बात करें हम फसल और साथ में जो हमारे फल यहाँ पर पाए जाते हैं जो यहाँ पर जिसकी पैदावार होती है ये सब ऑर्गेनिक है। मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पर किसी भी केमिकल और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं होता है। हमारा कम से कम 15-20 साल हो गया, हम कोई कुछ भी यूज नहीं करते हैं, सिर्फ यहाँ ऑर्गेनिक पाया जाता है। और कि अपना खाद गाय का खाद बकरी का खाद ऐसे यूज किया जाता है। ये एक और किस्म का है जी, इसका नाम है खमचूचन।
खमचू चांद के नाम से जाना था। खमचू चांद का मतलब है चिड़े के मुंह की तरह, ये खुरबानी का शेप है और ये मीठा है, बहुत ही अच्छा है। इसके अंदर के शेप जो है ये नकली सा होगा, इसको खमचू चांद के नाम से जाना गया है। ये पेड़ है, ये लक्षकार्पो के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही अच्छा मीठा फ्रूट है। लक्षकार्पो और कहीं नहीं पाया जाता है, सिर्फ लेह में, लद्दाख में ये पाया जाता है। और ये बहुत ही अच्छा मीठा, देखिए आप लोग ये थोड़ा टेस्ट करके देखिए। ये सफ़ेद है, सफ़ेद को हम कर्पो बोलते हैं। हाँ जी, लक्षे कर्पो, लक्षे मतलब इसके, ये इसको लक्षे बोलते हैं, कर्पो मतलब ये सफ़ेद। अच्छा। इसके नाम से जाना जाता है। अच्छा। और ये बहुत ही अच्छा मीठा होगा। आप थोड़ा खा के देखिए, बहुत ही ज्यादा मीठा, ऐसे लग रहा है इसमें ऑलरेडी शहद मिलाया होगा। तो ये जो लक्षे कर्पो है, इसके बारे में बताना चाहूंगी कि इसको GI टैग भी मिला हुआ है और सिर्फ ये लद्दाख में ही पाया जाता है, जैसे अंकल जी ने बताया। तो बहुत ही अच्छा नाम है इसका लक्षे कर्पो, क्योंकि इसका जो अंदर का जो सीड है ये व्हाइट है, सफेद रंग का, इसलिए इसे लक्षे कर्पो कहा जाता है। और इसको तोड़ के इसके अंदर भी मीठा है इसकी गिरी। पेड़ देख रहे हैं आप लोग, इसमें आधा खुरमानी होगा, फटिंग होगा, आधा चुली में होगा, आधा जो है मीठा वाला खुरमानी में होगा। ये सब मिला हुआ है जी यहाँ पे। यहाँ पे ज़्यादातर फटिंग ज़्यादातर पाया जाता है इस गांव में, हमारे अचिना थाम में। जो जुले नुमले जुले। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर चुल्ली का सीजन चला हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर चुल्ली निकाल रहे हैं, ऐसे सीड को ऐसे इससे निकाल रहे हैं। हमारे साथ यहाँ आजंगले है, अनिले है, अचिली है, अने हेलो करो, अने तो बहुत बिजी है यहाँ पे, एक कीड़ा मारने वाला था ना, इसीलिए वो बचा रही थी मैं। अच्छा, देखो कीड़े को बचा रहे थे, बहुत अच्छी बात। तो अनिले आप बताएंगे, ये अभी हम निकाल रहे हैं इसको, इसका गिरी मतलब ये साइड से निकाल रहे हैं, इसके बाद क्या करेंगे इसका, ये जो बचा है इसका, और इसका क्या करेंगे? ये जो निकला है ना, ये वाला है सुखाएंगे। अच्छा, ये गिरी धो के ना धूप में डालेंगे, धो के धूप में डाल के सूख के ना फिर तोड़ना है। अच्छा। फिर मशीन में लेके तेल निकालना है। अच्छा। फिर दिया जलाना है मंदिर में। अच्छा। इसका दिया जलाना है। अच्छा। हाँ जी, बहुत अच्छा होता है इसका ना सुचा। हम लोग हाल में बराठी लेते हैं, कलर लगभग येलो कलर होना चाहिए, ज़्यादा पका नहीं होना चाहिए, पर क्लीन होना चाहिए, दाग भी नहीं भरते हम लोग हैं। लगभग एक पैनेट में 500 ग्राम का वजन लेते हैं हम लोग हैं। ये 528 ग्राम है, पैनेट का वजन है 24 ग्राम, तो लगभग तो 2-4 ग्राम तो ज़्यादा जाता ही है। एक बॉक्स में 8 पैनेट भरते हैं, जो लगभग 4 केजी का होता है। उसके बाद ऊपर से एक क्लिप लगाते हैं। तो इसके बाद ये अब कैसे जाएगा यहाँ से? यहाँ से हम लोग भेजेंगे, अभी हम लोग को ले में कोल्ड स्टोर है, कोल्ड स्टोर में प्रिकूलिंग करते हैं इसको लगभग 2-3 घंटा, उसके बाद भेजते हैं बायर। कहाँ जाता है ये अभी? ये ले से जाएगा दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई। एग्रीकॉट इंडस्ट्री को बढ़ाने की कोशिश में लगे हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये और इसकी एरिया बढ़ेगी और प्रोडक्शन बढ़ेगी। और हालांकि अभी भी 7-8 सिटीज़ में, बड़े बड़े सिटीज़ में तो जाते हैं, लेकिन जितना डिमांड आ रहे हैं उतना हम उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें जो हमारे डिपार्टमेंटल लेवल पे, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के लेवल पे करने की ज़रूरत है, जैसे कैनोपी मैनेजमेंट, कुछ इंसेक्ट आए तो उसको आप किस तरह से उसको बचाए, ऐसे तरह इंटीग्रेटेड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, जैसे जो फ्रेश एक्सपोर्ट हो गया उससे जो बचता है उनको फिर वैल्यू एडिड प्रोडक्ट कैसे बनाएं, मिनिमल प्रोसेसिंग यूनिट करके एक जिसका जैम जूस या ले पपट वगैरह बनाते हैं। साथ ही साथ जो एप्रिकॉट के गिरी है, जो स्वीट्स है वो तो बादाम की तरह खाते हैं, जैसे उसका अगर खंटे वैरायटी हो उसके जो गिरी है उससे तेल एप्रिकॉट ऑयल बनाते हैं। तो इन चीज़ों को आप बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स आके आप इसको और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की और इसको ग्रो करने की ज़रूरत है। तो अच्छे पढ़े लिखे लोग भी अभी इंडस्ट्री में आ रहे हैं, तो हमें जितने भी स्टेक होल्डर से जो भी फीडबैक आता है उस हिसाब से हम अपना प्लान भी साल बाद साल उसी के प्रपोजल के हिसाब से हमारा एक्शन प्लान बनता है। तो लद्दाख के इस क्षेत्र में
विभिन्न प्रकार के जो फल फ्रूट है यहाँ पर पाए जाते हैं। जी हाँ, यहाँ पर एप्रिकॉट, खुमानी, चिल्ली, एप्पल, सेब और वॉलनट्स यानी कि अखरोट और बादाम, आलमंड्स और साथ में आड़ू भी यहाँ पर पाए जाते हैं। जी हाँ, इस वैली को कह सकते हैं कि यहाँ की जो वैली है बेहद ही फर्टाइल है, यहाँ की जो सॉइल है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार के जो है फल फ्रूट यहाँ पर पाए जाते हैं। ये बादाम लगा हुआ है। अच्छा जी हाँ, ये भी कुर्बानी की तरह पकते आते हैं। तो ये इसका सीजन कब आता है अंकल? ये अभी एक महीने के बाद में ये पक जाएगा, तो ये इसको तैयार हो जाएगा जी। अच्छा जी। और ये हमारा लगा हुआ है अंगूर, ये देखिए अंगूर लगा हुआ है। ये अखरोट का पेड़ है और ये सबसे लास्ट में पक जाता है और ये हमारे गांव में बहुत तादाद में पाया जाता है। फ्रूट्स हैं जैसे आप देख सकते हैं इस गांव में एप्रिकॉट, आलमंड्स और अंगूर, और जैसे यहां पर सेब भी पाए जाते हैं। तो ये खालसी से नीचे शुरू होता है और ये फिर आगे जैसे अचिनाथंग है, लेदो है, उसके बाद जो है आर्यन वैली है वहाँ पर भी पाया जाता है। जी 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 जी। ये पेड़ बहुत बड़ा पेड़ है, ये पता नहीं कितना सालों का पेड़ है, इसको ओसे कहा जाता है। ये पहला फल होगा, जो पहला फल हमारे यहाँ खाने को मिलता है ये ओसे का पेड़ होता है। ये पेड़ है जी, ये हमारे भाषा में तो यहाँ के भाषा में बोलता है टाकुचू आड़ू। अभी तो कच्चा है, पकने के बाद में बहुत बड़ा बड़ा हो जाते हैं और ये खाने में बहुत ही अच्छा टेस्ट है और मीठा है। और ये सेब आपके हिमाचल की तरफ से आया हुआ है, छोटा छोटा पेड़ लगाया था। अच्छा। अभी इसमें फल देना शुरू हो गया, कम से कम 3 साल हो गया इसको लगे हुए। बहुत ही अच्छा मीठा और अच्छा सेब है। तो इसका सीजन आपका कब? अक्टूबर के महीने में ही आता है? जी जी, अक्टूबर में ये अच्छा से पक जाता है और बहुत ही अच्छा मीठा। तो यहाँ पर आप सभी ने देखा कि हिमाचल का कुशु है, इस एरिया में हिमाचल का कुशु है। कुशु यानी कि सेब। सेब को यहाँ लद्दाखी में भी कुशु कहा जाता है और हमारी किन्नौरी भाषा में भी कुशु ही कहा जाता है। तो यहाँ पर सेब हमने देखा, यहाँ के बागान में हमने देखा, एप्रिकॉट देखा, हमने अखरोट देखा, बादाम देखा, अंगूर देखा, और क्या क्या नहीं है यहाँ पे अंकल जी, आप भी बताइए। यहाँ पे सब कुछ पाया जाता है मेहरबानी से। यहाँ बहुत अच्छा जमीन भी है, जो भी पेड़ पौधा लगाया जाता है वो सब उग जाता है यहाँ पे जी। हाँ जी। तो लद्दाख में यहाँ ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बहुत सारी जो फसलें हैं, बहुत सारे जो फ्रूट्स हैं वो भी यहाँ पर पाए जाते हैं। और अंत में धन्यवाद करना चाहूँगी अंकल जी का हमारे साथ आप बातचीत करने के लिए और हमें अपना बगीचे का टूर करवाने के लिए। धन्यवाद, आप यहाँ पे तशरीफ लाया, हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो आप सभी ने देखा और जाना लद्दाख के एप्रिकॉट खुमानी के सीजन के बारे में, किस तरह से यहाँ एप्रिकॉट का जो सीजन है वो होता है और कौन कौन सी यहाँ पर वैरायटी पाई जाती है। आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आप लोग भी अगस्त के महीने में लद्दाख आए तो यहाँ का एप्रिकॉट सीजन जो है उसे देख के जाइए और इसका लुफ्त उठा के जाइए। तो जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। और जी हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे लद्दाख के एक नए गाँव में एक नई कहानी के साथ। तब तक मैं अमिता छुरगिया नेगी आप सभी से विदा लेना चाहूँगी। धन्यवाद।